hello students so today we are going to discuss the biology paper of 2022 23 we are going to discuss its pattern the number of questions the type of questions which are coming in different different sections so first of all i want to tell you that there are total uh, 39 questions in science from which we are going to discuss only about bio questions so maximum time you will be getting will be 3 hours and so first of all it is a 80 marks question paper from which section a contains Seven questions of biology, one marks each. Section B contains three questions of biology, two marks each. Section C contains one question of biology, which is of again three marks each. And section D contains uh, one question, which is five marks each. And section E contains uh, four marks question, one uh, four marks one question only. Okay, so now let's begin. सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर एट जो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंगली इसका नंबर दिया गया है सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इफ वी टेल कि कौन से चैप्टर से है एंड इसका सब टॉपिक क्या है सो द चैप्टर इज़ लाइफ प्रोसेसिस एंड इट्स सब टॉपिक इज न्यूट्रीशियन सो एज़ यू कैन सी हेयर इज अ डायग्राम गिवन इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस लेबलिंग विच आर नॉट नेम्ड ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन सो क्वेश्चन नंबर नाइन इज बेसिकली फ्रॉम द टॉपिक इफ वी सी दैट इज अगेन फ्रॉम लाइफ प्रोसेसिस एंड सब टॉपिक इज न्यूट्रिशन सो एज वी कैन सी द क्वेश्चन इज फ्रॉम फोटो सिंथेसिस से है सो बेसिकली इसमें हमें पता है कि सी ओ टू जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सी ओ टू एब्जॉर्ब करेगा कौन सा कंपाउंड है केमिकल है दैट इज के ओ एस दैट इज पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए that is question number 10 so if we talk about question number 10 it is basically from the chapter heredity and evolution and its subtopic is heredity so let's move to next question so next question is question number 11 so moving to question number 11 it belongs to the topic control and coordination okay so from control and coordination basically uh, the subtopic is movement in plants so as you can see the क्वेश्चन वी यू हैव टू ऑब्जर्व दीज फिगर्स आपको ये फिगर्स ऑब्जर्व करने हैं और बताना है कि ये कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट डिपिक्ट कर रहा है बेसिकली ठीक है सो आप देखेंगे जैसे कि रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव जियो शो करेंगी एंड जो हमारा स्टेम होगा या शूट पार्ट होगा वो नेगेटिव जियो शो करेगा या फिर हम कह सकते हैं कि लाइट की तरफ ही वो हमेशा ग्रो करेगा ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व So, question number 12 of section A is from topic How do organisms reproduce? So, basically, how do they reproduce? So, here you have a diagram where there are two plants in which you have to tell ke, which type of process of pollination is taking place. Either it is autogamy, uh, getinogamy, or cross pollination, or whatever. Okay, so the subtopic is again that is pollination. Now, let's move to next question. क्शन है दैट इज क्वेश्चन नंबर एटीन सो क्वेश्चन नंबर एटीन इज बेसिकलीजन टाइप सो इन विच यू नो अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो इट और उसका सही एक्सप्लेनेशन है सेकेंड वाला स्टेटमेंट इफ रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन मार्क ए अदरवाइज इफ बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन मार्क बी एंड इफ

that is question number 19 so if we talk about question number 19 again it is it belongs to the chapter that is life processes and topic here comes that is transportation so ye transportation sub topic ka ek question hamara जिसमें बेसिकली हमने बात की है हर्ट की कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एम्फीबियंस का वो मिक्सिंग टॉलरेट कर सकता है या नहीं एंड रीजन दिया हुआ है कि एम्फीबियंस जो है वो एनिमल से भी टू चैम्बर्ड हर्ट सो आंसर इज सेवन बिकॉज ए इज़ ट्रू हेयर ए इज ट्रू बट अगेन आर इज़ फॉल्स आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगेन इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट ऑल्सो ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हेयर कम्स सेक्शन बी सो एज Uh, मैंने आपको पहले भी बताया था सेक्शन बी में तीन क्वेश्चन सो नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर बी इसमें क्वेश्चन नंबर इज ट्वेंटी टू सो एज वी कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बिलोंग्स टू द टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड द सब टॉपिक इज अगेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ओनली सो इन दिस यू हैव टू टेल वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में बीटिंग ऑफ हर्ट और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में क्या डिफ्रेंस है तो एज वी नो कि बीटिंग ऑफ हर्ट जो है वो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता इट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये सडन रिस्पॉन्स होता है इट इज़ अ सडन एक्शन ओके नाउ नेक्स्ट इज Uh, किसी भी तरह का कोई स्ट्यूनलेस नहीं स्ट्यूनलेस uh, नहीं चाहिए होता हार्ट uh, बीट में जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में स्ट्यूनलेस इज मस्ट स्ट्यूनलेस होना चाहिए कुछ ना कुछ अगेन बीटिंग ऑफ हार्ट जो है ये ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होता है जबकि रिफ्लेक्स एक्शन हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रेगुलेट किया जाता है इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है स्केलेटल मसल्स का बीटिंग ऑफ हार्ट में जबकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है स्केलेटल मसल्स का रिफ्लेक्स एक्शन में बीटिंग ऑफ हर्ट में अगर अगेन हम देखें तो ये एक्शन जो है ये थ्रू आउट द लाइफ परफॉर्म किए जाते हैं फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये किसी भी इवेंट में किसी रेस्पॉन्स के थ्रू ऑल ऑफ आ सडन प्रोड्यूस होते हैं बीटिंग ऑफ हर्ट में देखें तो ये क्विक और स्लो भी हो सकता है बट रिफ्लैक्स एक्शन जो है वो हमेशा क्विक ही रह सकते हैं रहते हैं इनफैक्ट Okay, now next question that is question number 23. So, if we move to question number 23, then it belongs to the topic life processes, and subtopic is again uh, nutrition. सो इन दिस वॉट इज गिवन के जिन पेशेंट्स में गोल ब्लेडर रिमूव किया जाता है उन्हें डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं कि उन्हें ऑयली खाना नहीं खाना है वाई बिकॉज हमें पता है कि लिवर तो फॉर्म करता है हमारे बाइल जूस को बट गोल ब्लेडर उसे स्टोर करता है एंड बाइल जूस का काम है इमल्सिफ़िकेशन ऑफ फ़ैट सो so बेसिकली अगर गोल ब्लेडर ही नहीं होगा तो स्टोर नहीं होगा कहीं पर भी हमारा बाइल जूस सो so, इमल्सिफ़िकेशन ऑफ फैट में क्या आएगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी दैट्स वाई इट इज़ कि लेस ऑयली खाना जो है डॉक्टर उसे एडवाइस देते हैं पेशेंट को उ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सो अगर हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की तरफ देखें तो ये अगेन लाइफ प्रोसेस का ही टॉपिक है बट सब टॉपिक इज डिफरेंट दैट इज एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन तो इसमें यूरिन जो है वॉटर के अलावा ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन वॉट आर दू पैरामीटर विच इज री एब्सॉर्ब इन किडनी तो किडनी में जो वॉटर रीअब्सॉर्ब होता है उसके क्या दो पैरामीटर्स हैं बेसिकली इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो रीअब्सॉर्ब होती है तो ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू हमारा फ्लो आउट होब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसे उसे बेसिकली uh, एक्सक्रीट नहीं किया जाता यूरिन के थ्रू ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ इट कम्स सेक्शन सी सो सेक्शन सी में अगर हम आएँ तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सो डैमेज ऑफ ओजोन लेयर ये कंसर्न का टॉपिक क्यों है तो जैसे कि हमें पता है कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोबंस एंड विच इज अ वेरी पॉइजनस गैस रिलीज बाय द यू नो एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स विच वी आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ नाउ वर्ड इज एंड नेक्स्ट इज वॉट इज इट्स कॉज एंड वट स्टेप्स आर बिंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज तो इस डैमेज को लिमिट करने के लिए तो बेसिकली यही है कि हम इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उनका यूज़ कम कर दें हमारी डे टू डे लाइफ में और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन पर डिपेंड हो जाए बिकॉज वी नो दैट कि अगर जिस तरह से ओजोन में होल होता जा रहा है इस वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन हैं सन की वो पेनीट्रेट कर रही है हमारे अर्थ के अंदर ठीक है जिस वजह से इट इज़ कॉजिंग सेवरल टाइप ऑफ कार्सिनोम एंड स्किन कैंसर्स एंड अगर ये इसी तरह से इसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कर रही है ठीक है बिकॉज सन की जो हार्मफुल रेज हैं दे आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग द ग्लेशियर्स उनको पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स बेसिकली जिस वजह से जो वाटर का अमाउंट है सीज में ओशियंस में वो लगातार बढ़ता जा रहा है एंड इट विल कॉज ह्यूज फ्लड समडे एंड दैट विल बी वी कैन से वो लास्ट डिस्ट्रक्शन डे हो सकता है अर्थ का मतलब हम जाओ उसी तरफ रहें और अगेन इन्हीं सब चीजों से ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग है एंड दिस ओजोन लेयर का डिप्लीट होना दिस ऑल आर अ चेन दिस आर फॉर्मिंग अ चेन और जिसका रिजल्ट एंड में क्या होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ बेसिकली ओके नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन डी सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में अगर हम टॉपिक देखें दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और इसमें आपको इसका सब टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओके okay, बट इसमें आपको एक चॉइस भी दी गई है और जो चॉइस में क्वेश्चन रहेगा वो आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का दिया हुआ है सैम्पल पेपर में तो सेक्शन डी में बेसिकली आपके पास चॉइस रहेगी ठीक है so सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप दोनों चॉइस के दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट लें ये सोच के कि भाई नहीं हमें तो दोनों के नंबर मिलेंगे ऐसा नहीं होगा आपको एक ही अटैम्प्ट करना है और उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे केवल तो आपको चॉइस में से जो भी क्वेश्चन आप श्योर हैं कि भाई ये इसका आंसर हमें आता है आपको वही अटैम्प्ट करना है एंड डो नॉट वेस्ट योर टाइम जितने आपके वर्ड लिमिट है हर एक सेक्शन की वो भी आपको उसी अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है अदरवाइज पेपर लेंदी होता है सीबीएसई का आपका पेपर भी छूट सकता है बाई मिस्टेक ओके सो हम जैसे देख रहे हैं सेक्शन डी में सो बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि वाइट इज नॉट पॉसिबल टू रीकन्स्ट्रक्ट द होल ऑर्गेजम फ्रॉम अ फ्रेगमेंट एंड कॉम जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम जो होते हैं जैसे कि हम हैं तो हमारे अंदर एक फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं बन सकता बिकॉज हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक सेल से सारे उस तरह के सेल्स नहीं बनाया जा सकते एक फ्रेगमेंट से सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स को बनाया नहीं जा सकता है ओके okay. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन इल्यूसिडेट सो बेसिकली हम जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं दे कैन ओनली बी परफॉर्मड व्हेन आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फुल्ली मैच्योरड दे आर इन द पोजीशन टू टेक दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस फर्दर ओके सो so, अगर और में देखें इसके क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीशीज इफ़ देयर इज ड्रेस्टिक अल्टरेशन इन द निशेज सो बेसिकली अगर किसी का आप निशे चेंज कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो ऑब्वियसली वेरिएशन अगर अगर होंगे तो उनकी अडेप्टबिलिटी भी ज्यादा होगी ठीक है अगर किसी के अंदर अच्छे वेरिएशन है पॉजिटिव वेरिएशन हैं तो वो किसी डिफरेंट सराउंडिंग में एनवायरमेंट में क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं मोर इजीली एज कंपेयर टू अदर्स जिनके अंदर इतने वेरिएशन नहीं है ओके बी इज एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एमब्रियो आफ्टर इम्प्लान्टशन सो एज वी नो दैट कि जो हमारा बेसिकली जो जयगॉट होता है ठीक है वो हमारा इम्प्लाट हो जाता है यूट्रस में और प्लेसेंटा जो है बेसिकली वो एम्ब्रियो को फर्दर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो ग्रोइंग एम्ब्रियो सो दैट्स वाई दे प्रोवाइड द बेसिक नेसेसरी कंडीशन टू फॉर द एम्ब्रियो फॉर इट्स ग्रोथ

तो इसमें बेसिकली आपको अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपको बेसिक नॉलेज जेनेटिक्स की होना बहुत जरूरी है अदरवाइज आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और एग्जाम्स में आपके जो तो सैंपल पेपर है तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके बोर्ड में एक जेनेटिक्स का इस तरह का

इसमें फोर पार्ट्स होंगे इसके बेसिकली क्वेश्चन तो एक ही है नेक्स्ट इज कि आपको कितना कितना लिखना है वर्ड लिमिट क्या रहेगी आपकी तो सेक्शन ए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वन मार्क ईच तो यू कैन राइट एक वर्ड से एक लाइन तक का आंसर आप लिख सकते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी में अगर हम बात करते हैं तो टू मार्क्स का इसकी मार्किंग रहेगी तो यू कैन राइट थर्टी टू यू नो फिफ्टी वर्ड्स का आप लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी थ्री मार्क्स की मार्किंग रहेगी तो आपको फिफ्टी टू एट्टी वर्ड्स का मैक्स मैक्स टू मैक्स आपको लिख कर आना है आंसर ओके सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फाइव मार्क्स का है सो तो बेसिकली सबसे ज़्यादा लॉन्ग आंसर आपको इसी में लिखना है सो इट विल बी एट्टी टू वन ट्वेंटी वर्ड्स एटलीस्ट आपका आंसर इसमें होना चाहिए और सेक्शन ई e में देखें सो फोर पार्ट्स में वो डिवाइडेड है क्वेश्चन तो वन वन मार्क मार्क्स का होगा तो आपको जितना पूछा गया है केवल उतना जो भी कैलकुलेशन अगर जेनेटिक्स का आता है जो पूछा गया आपको केवल उतना ही लिखना है उसमें एक्स्ट्रा थ्योरी आपको ऐड नहीं करनी है ठीक है सो इन द एट द लास्ट आई वॉन्ट टू जस्ट से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल द जो भी टेंथ में आपके बोर्ड देने जा रहे हैं बच्चे आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और अच्छे से आप अपना पेपर कीजिएगा थैंक यू सो मच